Hi guys, welcome back to my channel Quality Life. Hope you all are doing well and staying healthy, fit and happy. तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज डिस्कस करूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं आपको ये बताऊँगी कि हाउ दीज फाइव थिंग्स कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ, हाउ दीज फाइव पॉजिटिव हैबिट्स कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ. मतलब पहले ऐसा होता था कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती थी, या डिप्रेशन में आ जाती थी, या मतलब टेंशन में आ जाती थी, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर एंग्जाइटी होने लगती थी. बट जब से मैंने इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दीज फाइव हैबिट्स, दे एक्चुअली वर्कड. माई लाइफ वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लो टू हाई. मतलब मैं जितना डिप्रेस्ड रहती थी या जितना अनहैप्पी फील करती थी, मतलब एक जो मेरे आसपास भी जो सर्कल या फिर कुछ भी फ्रेंड्स रहते थे, तो ऑटोमेटिकली वो जो इम्प्रेशन पड़ता था वो भी बहुत ही गंदा इम्प्रेशन पड़ता था सब पर, बिकॉज मैं तो पूरा टाइम लो ही रहती थी. बट जब से मैंने आई थिंक फ्रॉम टू ईयर्स बैक जब से मैंने ये सब फॉलो करना स्टार्ट किया, माई लाइफ इज़ कम्प्लीटली चेंज, बिलीव मी. तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो इन चीज़ों को, एंड दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू, एवरी वन कैन डू एट होम. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई मेक वीडियोज ऑन वास्तु, मैनिफेस्टेशन, DIY एंड मैनी मोर इंफॉर्मेटिव स्टफ. सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट हैबिट जो मैंने अप्लाई करी थी अपने डे टू डे लाइफ में वॉज दिस, प्रिपेयर योर नाइट. जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे ही हम अपनी मॉर्निंग के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं. एंड और वो प्रिपरेशन पहली रात से ही शुरू हो जाती है. आई विल टेल यू हाउ. ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद अ नाइट बिफोर. तो रात में सोने से एक घंटे पहले गो टू योर बेड. और बेड पर जाने से मेरा मतलब ये है दैट यू आर ऑलरेडी डन विद योर नाइट स्किन केयर रूटीन, एंड आप अपने नाइट वेयर्स में हो, एंड यू आर इन अ वेरी रिलैक्स स्टेट नाउ. नाउ गो टू योर बेड एंड एनालाइज करो आपने पूरे दिन में कैसे थॉट्स, क्या क्या किया. लाइक इट कुड बी पॉजिटिव थिंग्स, इट कुड बी नेगेटिव थिंग्स. आपने किसके साथ क्या अच्छा किया, आपने क्या बुरा किया. आप सबसे पहले इन चीज़ों को एनालाइज करो, सो दैट आपके दिमाग में ये चीज़ आता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो वो क्यों किया, क्या स्टेट ऑफ टाइम रहा था उस वक्त जो मैंने ये किया. एंड टेल योर सेल्फ दैट आई वॉन्ट रिपीट इट अगेन. और अगर आपने कुछ अच्छा किया है, देन टेल योर सेल्फ दैट आई विल रिपीट इट डेली. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव हैबिट कि रात में सोने से पहले अगर आप इन सब चीज़ों को एक बार पूरे दिन को एनालाइज करो. जैसे हम एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते तो हम पूरे अपने आंसर शीट को एक बार रीचेक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने पूरे दिन को रीचेक करो दैट व्हाट थिंग्स यू डिड टुडे. सेकेंडली, आप अपने नेक्स्ट डे को स्केड्यूल करो कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द मॉर्निंग, व्हाट अगर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है, अगर आपको कहीं जाना है, तो आप उसके लिए क्लोथ्स पहले से ही यू नो आयरन करके रखो, पहले से ही मैनेज करके रखो, ताकि आपको नेक्स्ट डे आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो इन सब चीज़ों के लिए, और आपको किसी और चीज़ के लिए टाइम मिल जाए, और आप एट लास्ट टाइम पे पैनिक ना हो चीज़ों को लेकर. लाइक अगर आपके क्लोथ्स आयरन ना हो, या फिर यू आर नॉट हैविंग दैट पर्टिकुलर क्लोथ टू वेयर फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन. तो इस तरह से यू कैन प्रिपेयर योर नाइट एंड यू कैन हैव अ गुड स्लीप एट नाइट. ओके, सो सेकेंड पॉजिटिव हैबिट इज स्टार्ट योर मॉर्निंग विद अ वेरी हेल्दी ड्रिंक. और हेल्दी ड्रिंक से मेरा मतलब है कि जस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज एम्प्टी स्टोमक यू हैव टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर. क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो दिन भी अच्छा जाएगा. तो इसलिए ये हैबिट बना लो आप अपने
स्टार्टिंग से ही कि अगर आपको अपनी मॉर्निंग बहुत एक हेल्दी नोट पर स्टार्ट करनी है देन यू हैव टू डेफिनेटली यू हैव टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर. और अगर आप कॉपर वेसल में पानी पीते हैं देन वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इट हेल्प्स इन डाइजेशन. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो डाइजेशन से रिलेटेड तो आप ये हैबिट ज़रूर कीजिए. मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है दैट वाई वी शुड ड्रिंक वाटर इन अ कॉपर वेसल. यू कैन चेक द लिंक. तो दिस वॉज माई सेकेंड हैबिट विच आई अप्लाइड. ओके, थर्ड पॉजिटिव हैबिट इज़ मी टाइम. दिस मी टाइम से मेरा मतलब ये है कि आफ्टर स्टार्टिंग योर मॉर्निंग यू शुड हैव टाइम फॉर योर सेल्फ. आपको अपने लिए टाइम देना है और उस टाइम में यू कैन डू मेडिटेशन, योगा, एनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, या तो रात में सोने से पहले या अर्ली इन द मॉर्निंग जब बिल्कुल शांति होती है एंड यू आर एट दैट टाइम यू आर रेडी फॉर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस. मैनिफेस्टेशन वीडियोज मेरी आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है. तो जो मी टाइम होता है आप वो उस टाइम पर एक्चुअली क्या होता है, बिल्कुल शांति होती है, देर इज नो वन टू डिस्टर्ब यू और वो सिर्फ आपका खुद का टाइम होता है. उस टाइम आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना है, नॉट इवन योर चिल्ड्रंस, योर हस्बैंड, योर फादर, मतलब मदर, वट एवर. वो टाइम सिर्फ आपका खुद का है क्योंकि फिर पूरा दिन बाकी सबका है आपके लिए, बट वो जो सुबह का टाइम है वो आपके लिए खुद के लिए टाइम है. तो उस टाइम पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, यू कैन डू योगा, यू कैन डू दीज मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स. सो प्लीज़ अप्लाई इट एंड इट विल डेफिनेटली चेंज योर मॉर्निंग रूटीन. जितना हम पूरे दिन में स्ट्रेस टेंशन लेते हैं, आई थिंक अगर हम अपनी दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छे करें तो इतनी स्ट्रेस टेंशन लाइफ में नहीं होगी. सो फोर्थ हैबिट विच आई अप्लाइड इन माई डे टू डे लाइफ वॉज क्लटर फ्री एंड अ टाइडी होम. अगर आपको अपने आप को पूरे दिन बिजी रखना है तो आप अपने यू कैन इन्वॉल्व योर सेल्फ इन योर होम, बिकॉज हमारे घर में ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने को दैट हम बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास किसी भी नेगेटिविटी के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा. लाइक यू कैन डेकोरेट योर होम. डेकोरेशन से मेरा मतलब ये नहीं कि यू हैव टू डेकोरेट विद यू नो एवरी डे यू हैव टू डेकोरेट, मतलब अपने घर को पूरे टाइम ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हो. उससे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर, लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं, दैट दे विल से दैट शी इज़ अ स्मार्ट होम मैनेजर. तो उसका इम्पैक्ट आप पे बहुत अच्छा पड़ेगा एंड यू विल फील वेरी पॉजिटिव इन लाइफ. तो इस तरह से आप अपने आप को बिजी भी कर सकते हो एंड यू कैन यू नो क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड अदर्स. सो नेक्स्ट एंड द लास्ट हैबिट इज़ गिव सम टाइम टू योर फैमिली. जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो सुबह का टाइम होता है दैट इज़ मी टाइम, वो टाइम सिर्फ मेरा था. अब लास्ट ये जो बाकी टाइम होता है ये सबके लिए होता है. देन यू आप अगर आप प्रोफेशनल हो या फिर आप होम वर्क मेकर हो तो मेक दिस अ हैबिट कि आपको अपना कुछ थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली को भी देना है, अपने बच्चों को भी देना है. यू हैव टू गिव योर टाइम टू योर स्पाउस एंड योर पेरेंट्स, योर इन लॉज, क्योंकि जो फैमिली एक साथ डाइन करती है दैट फैमिली इज़ अ वेरी हैप्पी फैमिली. तो ये हैबिट बनाओ. अगर आप लंच एक साथ नहीं कर सकते हो तो डिनर तो एटलीस्ट आप एक साथ कर सकते हो. तो तब आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो डिस्कशंस होते हैं लाइक हैप्पी डिस्कशंस वो आप कर सकते हो. सो इस तरह से आपको टाइम भी मिल जाएगा फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए एंड यू विल फील वेरी हैप्पी टू हैप्पी इन लाइफ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज like it and share with your friends and families. Till then, I will be back soon with more interesting video. Bye bye.